दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चिराग एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल चैनल। सो दोस्तों, आफ्टर 3 ईयर मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ। लास्ट जो मेरी इंटरनेशनल ट्रिप थी वो थी श्रीलंका की, एंड जो कि मैंने 2020 में की थी। उसके बाद अब जाके मौका मिला है इंटरनेशनल ट्रिप करने का, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अबाउट माई ट्रिप, तो फर्स्ट टाइम मैं किसी भी कंट्री में, या कह सकते मल्टीपल कंट्री घूमने वाला हूँ यूरोप के अंदर। तो मेरा शेंगेन वीज़ा लग गया है, जो कि 2 मंथ का लगा है। सो ये मेरी 2 मंथ की ट्रिप होने वाली है पूरी। एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, क्योंकि शेंगेन वीज़ा लगने में ही मुझको ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया। इनिशियली मैंने अप्लाई किया था, जब अप्लाई किया था उसके 3 वीक बाद मेरा ये शेंगेन वीज़ा लगा है। सो जो ये मेरी ट्रिप होने वाली है, वो सबसे पहले मैं जाऊँगा जर्मनी में। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जाने वाला हूँ। उसके बाद मेरे भाई के पास जाऊंगा, मैं थोड़े दिन वहाँ रहूंगा, एंड देन यूरोप के अलग अलग कंट्रियाँ घूमूंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप के अंदर। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, पहले सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए मैं आपको बताता हूँ शेंगेन वीज़े का किस तरह का प्रोसेस होता है, कितने रुपये इसमें लगने वाले हैं आपके अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, और आपको क्या क्या करना है शेंगेन वीज़ा लगाने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, शेंगेन वीज़ा में डॉक्यूमेंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अलग रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अलग रिक्वायरमेंट होती है शेंगेन वीज़ा की। सो एंड शेंगेन वीज़ा में हम 26 कंट्री घूम सकते हैं यूरोप के अंदर, और ये तकरीबन 3 मंथ का शेंगेन वीज़ा लगता है। मेरा 2 मंथ का लगा, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने 2 मंथ का दिया मुझे। तो दोस्तों, आप अभी शेंगेन वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं, कहाँ से अप्लाई करना है, कितने रुपये खर्च होंगे, सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप जब तक शेंगेन वीज़ा के बारे में जानिए, मैं इतने यहाँ पे चेक इन करता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। सो दोस्तों, शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे आपको गूगल पे जाना है, एंड वहाँ आपको VFS ग्लोबल, जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो वो टाइप करना है। देन आपकी ये साइट आएगी VFS ग्लोबल की, सो इस पर क्लिक करना है आपको, एंड देन आप इनके साइट पे पहुँचेंगे जहाँ आपको बहुत सारे सेक्शन दे रखे होंगे, होम, अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एंड अपॉइंटमेंट। सो आपको ये बुक एंड अपॉइंटमेंट पे जाना है। जैसे ही आप बुक एंड अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे तो आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है ये, एंड इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहाँ आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा पहले से बना रखा था, सो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ मेरे होम स्क्रीन पे जाके। सो देखो दोस्तों, होम पे इसमें आपको एक स्टार्ट न्यू बुकिंग टाइप का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है आपको। एंड आते ही यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंटर चूज़ करना है। मैंने न्यू दिल्ली का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज़ किया। सो और वीज़ा अपॉइंटमेंट कैटेगरी में आपको शेंगेन वीज़ा डालना है यहाँ पे, एंड सब कैटेगरी में आपको टूरिस्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप टूरिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको स्लॉट अवेलेबल बता देगा कि अर्लीस्ट स्लॉट आपको कब का मिल सकता है, एंड देन आपको कंटिन्यू करना है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वाइज इसमें स्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है। एंड इसके अलावा मैं आपको दोस्तों रिक्वायरमेंट बता देता हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए शेंगेन वीज़ा के लिए। सो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो आप वहाँ से भी इसे रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। बट इसका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी चीज़ मिस होती है तो आपका शेंगेन वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। एंड साथ में शेंगेन वीज़ा की जो फीस होती है वो अराउंड अभी की 6500 है फॉर 1 पर्सन। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वीज़ा का प्रोसेस किस तरह का इनका। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मैं कौन सी फ्लाइट से जा रहा हूँ फ्रैंकफर्ट। सो मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट किया है फ्रैंकफर्ट से, जो जिसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 30,000 के आसपास की पड़ी है, 1-sided। सो एंड रिटर्न टिकट भी मैंने करा ली है मेरी आफ्टर 2 मंथ बाद की। सो जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 29,000, तो अराउंड मेरा 60,000 के आसपास का खर्चा आया है फ्लाइट का। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाफ एन आवर के अंदर इमिग्रेशन, चेक इन एंड सिक्योरिटी तीनों क्लियर हो गए, एंड अब मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं बैठ चुका हूँ फ्लाइट में, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर। सो मैं आपको थोड़ी इनकी एमिनिटीज दिखाता हूँ, क्या क्या एमिनिटीज देते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर। सो इन्होंने ये एक डिस्पोजेबल ईयरफोन दे रखा है। सो दोस्तों, अगर आप एक बटन को प्रेस करोगे इधर, अभी बिल्कुल लाइट शेड है इसकी बटन, मैंने बटन प्रेस कर दिया, अभी धीरे धीरे डार्क हो जाएगा अगर आप देखते रहिए। इट्स गेटिंग डार्क ना, देखिए ये डार्क हो गई है। एक अलग फैसिलिटी है, प्लस इनकी फ्लाइट में टीवी है, इन्होंने ब्लैंकेट दे रखा है।
सो दोस्तों फाइनली 8 आवर के जर्नी के बाद मैं आ गया हूँ फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 आवर जब दिल्ली से स्टार्ट किया था। सो दोस्तों अभी मुझे अपने बैगेज के लिए अगर ट्रॉली लेनी है तो मुझे इस मशीन में 1 यूरो पे करने पड़ेंगे। आइदर मैं 1 यूरो का कॉइन पे करूँ या कार्ड से पे कर सकता हूँ तब जाके मैं ये ट्रॉली निकाल सकता हूँ यहाँ से, अदरवाइज ये लॉक रहती है। सो एयरपोर्ट ठीक है, मतलब अपने दिल्ली जैसा ही इनका एयरपोर्ट भी अच्छा है, कुछ सिस्टम डिफरेंट लगे जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ट्रॉली लेने का उसका। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैब कैसे लेनी है। और तो आइए लेते हैं यहाँ से कैब किस तरह मिलती है आपके होटल तक की। तो मैं अभी जा रहा हूँ फ्रैंकफर्ट अपने होटल में यहाँ से। सो दोस्तों फाइनली मैंने कैब कर ली है यहाँ, जस्ट आपको एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ता है और लाइन से ही आपको यहाँ टैक्सी वाले मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत वो इंग्लिश समझ जाते हैं। तो आप अगर नहीं भी समझ पा रहे तो आप उनको अपने होटल की पिक दिखा दीजिए एंड अगर आप डायरेक्टली यहाँ वैसे टैक्सी मतलब फिक्स अमाउंट होते हैं किसी के, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कोई आपको गलत अमाउंट बताएगा। सो मेरे होटल तक इन्होंने मुझसे 35 से 40 के अराउंड यूरो बोले थे, तो इतना ही चार्ज लगता है। बेसिकली मीटर से भी चलते हैं, सो जितना अमाउंट आएगा वो उतना ही आपसे मांगेंगे। सो आपको कोई प्री बुक कराने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप आइए एयरपोर्ट के बाहर के लाइन से बंदे मिल जाएंगे खड़े हुए एंड बस सामान रखिए अपना और साथ में होटल ले जाएंगे। सो अभी तक की जर्नी ठीक है, मतलब 8 घंटे की लगातार जर्नी थी लेकिन फ़्लाइट अच्छी थी, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी फ्लाइट के अंदर। सो अभी तक का सफ़र अच्छा रहा है, तो देखते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से फ्रैंकफर्ट दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है फ्रैंकफर्ट।